आगामी चुनाव से पहले मोदी सरकार तीन तलाक को भुनाने में जुटी है, इसीलिए सरकार चाहती है कि मॉनसून सत्र के आखिरी दिन वो राज्यसभा में तीन तलाक बिल को किसी भी तरह से पास करा दे। लेकिन विपक्ष के सामने इस चुनौती को पास कराना आसान नहीं है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि पार्टी का रुख इस पर पहले जैसा ही है। वहीं राज्यसभा में भी इस पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना सहमति के बिल लाने का फैसला किया है। मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आज ही राज्यसभा में तीन तलाक बिल को लेकर मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये बिल जल्द से जल्द पास नहीं हुआ तो इसका 2019 लोकसभा चुनाव में असर जरूर पड़ेगा। इसलिए मोदी सरकार विपक्षियों का मान मनोवल कर इस बिल पर मुहर लगवाना चाहती है। सरकार ने विपक्ष के विरोध को देखते हुए कल बिल में तीन अहम संशोधन भी किए, लेकिन विपक्ष इतनी आसानी से मानने वाला कहा। राज्यसभा में इस बिल पर कई दल मोदी सरकार के खिलाफ हैं, यहां तक कि लोकसभा में समर्थन करने के बावजूद राज्यसभा में कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी साफ कर दिया कि हमारा रुख नहीं बदला है। संसद में रफाल डील को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुई सोनिया गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी का रुख इस मामले पर पहले ही साफ है, अब इस बारे में कुछ स्पष्ट करने की जरूरत नहीं। दरअसल कल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक बिल में संशोधन करते हुए कहा था कि सोनिया गांधी को महिलाओं के साथ आना चाहिए, वो बताएं कि इस बिल पर क्या रुख रखती हैं। बीजेपी नेता के इस बयान पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कर दिया कि वो तैयार नहीं हैं। इधर सोनिया गांधी पार्टी का रुख बता ही रही थी कि उधर राज्यसभा में कांग्रेस के हंगामे का शोर सुनाई देने लगा। जैसे ही तीन तलाक बिल लाने की बात की गई, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना सहमति के बिल लाने का फैसला किया है। कांग्रेस के इस हंगामे से साफ है कि वो तीन तलाक पर सरकार की परेशानी बढ़ाने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस अग्नि परीक्षा को कैसे पास करती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।